हाय गाइस, एक्चुअली हमें एलईडी लाइट इंस्टॉल करनी है, तो हमें इसका ओरिजिनल फ्रेम यूज़ में लाना होगा। आप परचेज भी कर सकते हो फ्रेम को, बट दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो ओरिजिनल फ्रेम ये मेरे पास एक्चुअली दो हैं। आप ये ऊपर वाला टॉप उसमें लगा रहे हो? नहीं, ये वाला इसमें जाएगा ना, फ्रेम के साथ इंस्टॉल होता है उसमें। ओके ठीक है। ओके तो ये दूसरा फ्रेम आई डोंट कि कहाँ पे है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सेव करके कहीं रख दिया है, तो हम जो ओरिजिनल है उसी को ही यूज करेंगे। ये जो लाइट्स थी, ये जिप्सी की ओरिजिनल लाइट्स थी? नहीं, ओरिजिनल लाइट्स में रिंग्स नहीं आते, पार्किंग नहीं आती। जब से नंबर प्लेट चेंज हुई है ना इंडिया की, तो जो हमारी पार्किंग है वो नंबर प्लेट के पीछे चले गई है। दैट्स द इशू। तो जो DRL है अब की लाइट में, वो पार्किंग में कन्वर्ट होंगे बेसिकली। इसको निकाल दिया हमने। अब इसको निकालने से पहले, वैसे तो ये आराम से लग जाती है, लेकिन मैंने स्टील इसको मार्क करके रखा था शार्पी से, तो मार्क लगा देता हूँ सो दैट आई कैन सी प्रॉपरली। ये मार्कर किसके? ये टॉप है, दिस इज द टॉप। ओके ठीक है। तो इसके टॉप, इसमें आप, इसमें लिखा हुआ होगा .sa समथिंग रेटिंग, तो उसको लगाना है, बाकी फिर इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ये जो है ये इसमें फंसता है ना। okay. तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लगाना, मतलब इधर मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छी चीज दी इन्होंने, जो ये वाले हैं ना, इससे पहले फ्लिकर होती थी LED लाइट, तो इन्होंने ये दे दिए इसमें, आई थिंक ब्लास्ट टाइप में है कुछ। ये क्या चीज है? ये फ्लिकर नहीं करने देंगे लाइट को। स्टेबलाइजर टाइप, डोंट नो क्या चीज है अंदर। ये लाइट्स मैंने ब्लू गैराज से परचेज की थी। ये कितने की पड़ी आपको लाइट्स? कुछ कॉस्ट वगैरह भी बता दो आप। वो डिपेंडेंट है, मैंने सेल पे ली थी, मुझे मेरे ख्याल से 13 के करीब की पड़ी है। ओके 13,000। सो गाइस, अगर आप इस तरह की लाइट्स लेना चाहते हैं तो bluegarage.in साइट जो है उसमें एक बार देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये हमारी रिकमेंडेशन है। काफी टाइम से मैं ऐसी चीजें परचेज कर रहा हूँ, काफी टाइम से, जब से मैंने बिल्ड चालू किया था तब से मैं उनसे आइटम्स परचेज कर रहा हूँ। चलो वेल एंड गुड, ऑल थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। इसमें थोड़ी सी वायरिंग अल्टर करनी पड़ेगी, रीजन बीइंग कि DRL की वायरिंग ये है, इन दोनों को कंबाइन करके एक स्प्लिटर लेना पड़ेगा किसी तरीके का, खुद बना के फैशन करके जो उसमें चला जाए। इसको काटने का तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, तो स्प्लिटर ही बनाएंगे हम। तो वो लास्ट स्टेप बचा है वायरिंग इंस्टॉल करने से पहले। बाकी जब गाड़ी परचेज की थी तो मैंने काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान खरीद के रखा था जो कभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया, उसमें से भी थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ का। आई डोंट थिंक सो कि इसके ये बदलने पड़ेंगे, एक तो स्क्रूज बदलने पड़ेंगे, दिस इज ओके, ये थोड़ा सा लूज। चलो ये आपकी हो गई एक लाइट, और ये दूसरी कहाँ पे रखी हमने, आई थिंक दैट इज आउटसाइड। तो बेसिकली ये आपकी हो गई, ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी एंड इट विल वर्क प्रॉपरली। बेसिकली ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो आप इसका एक आपको वो भी दे देंगे रिव्यूज की कैसी लगी है आफ्टर इंस्टॉलेशन। अभी स्क्रूज चेंज करूंगा इनका, आई डोंट थिंक सो कि मतलब ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो स्क्रूज जो है वो लूज हो चुके हैं, दे आर नॉट गेटिंग टाइटन अप प्रॉपरली। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इसमें, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा देंगे। और आपको कोई और क्वेरीज है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हैवी है, दिस इज एल्युमिनियम, जो आप कहीं और से लोगे ना, दिस इज बेसिकली मेटल, हीट डिसिपेशन अच्छी है, जो बाकी लोगे प्लास्टिक होती है, यू नो इसमें होल्डर्स भी लगे हैं, प्लास्टिक कभी होल्ड नहीं करेगा, दिस इज मेटल, डोम सारी मेटल की है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो आप ईबे वगैरह से परचेज करते हो
those are things are plastic. ये metal है. Nice. चलो bye bye. Subscribe. Bye. करना अंगूठा दिखाना.